Hare Krishna. So the final verse of wherein Krishna tells us about how one can dedicate one's activities to the Lord, to Himself, and still lead a happy life. Yes. And the discussion continues on control, how one needs to control oneself. So the 53rd verse of the 18th chapter of Gita, entitled The Perfection of Renunciation. Ahankaram balam darpam kamam krodham parigraham vimuchya nirmamah shanto brahma bhuyaya kalpate. Free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, acceptance of material things, free from false proprietorship and peacefulness, such a person certainly elevated to the position of self-realization. तो जब व्यक्ति अपने आप को भौतिक रूप से बॉर्डर करने लगेगा, वन विल लर्न टू कंट्रोल वन सेल्फ फिजिकली, दैट इज वेन वन्स माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो स्टार्ट्स गेटिंग कंट्रोल्ड. अहंकार को कंट्रोल करना, बल, फॉल्स स्ट्रेंथ, ये शरीर आज कितना भी बड़ा हो, कितने भी डोले शोले हो, कितने समय तक रहने वाला है? बहुत थोड़े समय तक. जैसे ही वो समय खत्म हो जाएगा, सब निकल जाएगा. We have seen Arnold Schwarzenegger, yes, we have seen everyone. हर कोई थोड़े समय तक रहता है और थोड़े समय के बाद वो सब चला जाता है. The best of people, yes, gone with time, yes. So, बलम दर्प, अहंकार और बल स्वाभाविक रूप से क्या लेकर के आता है? Pride, दर्प, yes. And then काम, क्रोध, lust, and when unfulfilled lust is there, it leads to anger. तो इन सब को न अटैचमेंट रखते हुए, गिविंग अप ईगो, गिविंग अप फॉल्स प्रेस्टीज, गिविंग अप फॉल्स स्ट्रेंथ, गिविंग अप लस्ट, गिविंग अप एंगर. सो गिविंग अप ऑल दिस इज ईजी? नो, यही तो हमारे शत्रु हैं सारे. सो ये सारे शत्रु, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, यस, इन सबको छोड़ना क्या ये 1, 2, 3, 4 साल का काम है? नहीं, इसमें तो जीवन लग जाते हैं. सो दैट इज हाउ स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव थिंग. इट इज नेवर दैट ओ आज भर्ती और कल चक्रवर्ती. ये आध्यात्मिक जीवन में कभी नहीं होता. इन एज मच एज आज स्कूल में भर्ती और कल PhD, ऐसे होता है क्या? नहीं होता. 23 साल एक सिंपल सर्टिफिकेट के लिए घूमना पड़ता है, उसके बाद भी नो वैकेंसी के बोर्ड दिखते हैं हर जगह पे. तो अगर ये अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से निकलना है, इट्स नॉट इजी. सो विमुच्य निर्ममः शांत, व्हेन वन गिव्स अप ऑल दीज थिंग्स, ओनली देन वन कैन बी हैप्पी, एल्स वन कैन नेवर बी हैप्पी. विमुच्य शांत, व्यक्ति सोचेगा मैं अहंकारी हूं, मैं अपना बल दिखा रहा हूं. आज हम देखते हैं सारी जो स्टोरी लाइन है, इट इज ऑल अबाउट शोइंग वनसेल्फ. KGF Part 2. वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस. यस, 2 दिन में 250 करोड़ का बिजनेस, एक व्यक्ति जाकर के हर जगह अपना झंडा गाड़ रहा है. ऐसा जिंदगी में होता है क्या? कभी ऐसा जिंदगी में नहीं होता. ये फिल्मी दुनिया है. वो जो हीरो है वो भी अपने जीवन में ऐसा नहीं जीता. Yes, वो भी 4 लोगों को साथ में लेकर के चलता है. सो इसीलिए अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इन सबको हम अगर आलिंगन लेकर के चलेंगे, काहे से सुख आएगा, काहे से शांति आएगी? इम्पॉसिबल है. नोइंग दैट पीस एंड हैप्पीनेस इज इन कंट्रोल इज इन लिसनिंग ऑफ वन्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ एंड एंजॉयमेंट दैट कम्स विद लाइफ. Living life in the way of kartavya, living life in devotional practice, this is essence. हम देखते हैं यहाँ से भगवद गीता का सबसे मूल तत्व शुरू होता है. Yes, right from text 49 to 78, we have the very crux of Gita, and Krishna is summarizing it very beautifully. Gita is about to end. Please pay attention to these verses. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.